दोस्तों BSNL 4G अब ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है। जो डेट है वो यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है पूरे इंडिया के लिए। पार्लियामेंट में इसे अनाउंस कर दिया गया है। साथ में वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क काफी जगह पर शटडाउन रहा, यूजर्स को काफी ज्यादा परेशानी हुई और आइडिया की तरफ से कुछ एक प्लान यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल अब वो प्लान आपको नहीं मिलेंगे। सारी जो टेलीकॉम न्यूज होने वाली है वो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। और दोस्तों कल हम जो है संडे Q&A वीडियो यहाँ पर रखने वाले हैं, तो अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो नीचे आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कल मैं आपको जो है संडे Q&A वीडियो में रिप्लाई दे दूंगा, तो आप अपना क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। दरअसल दोस्तों वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क फ्राइडे को बेंगलुरु के अंदर काफी देर तक जो है यहाँ पर शटडाउन रहा, यानी कि बंद रहा। काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पर जो है नेटवर्क नहीं मिला। काफी लोगों ने ट्विटर पर इसकी शिकायत की, तो वहां पर वोडाफोन आइडिया की तरफ से जवाब आया कि वो इस पर काम कर रहे हैं। कुछ फाइबर जो है केबल वहां पर कट गई थी, तो उसी की वजह से काफी ज्यादा यूजर्स को जो है बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं मिला और काफी परेशानी वहां पर उठानी पड़ी। आप लोगों को बताना कि आपको भी कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर फेस करनी पड़ी थी। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो भी यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की तरफ से। दरअसल आइडिया की तरफ से दोस्तों यहाँ पर कुछ एक पोस्टपेड प्लान चल रहे थे, जो कि आइडिया निर्वाणा पोस्टपेड प्लान थे, जिनमें 399 रुपए वाला, 499 रुपए वाले प्लान थे। तो अब ये प्लान बंद कर दिए गए हैं। अब आपको आइडिया के पोस्टपेड निर्वाणा प्लान बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। सभी जो यूजर्स होने वाले हैं आइडिया पोस्टपेड के, उन्हें अब वोडाफोन रेड प्लान्स पर माइग्रेट किया जाएगा। यानी कि आइडिया अब आपको पोस्टपेड प्लान प्रोवाइड नहीं करेगा, सिर्फ वोडाफोन के द्वारा वोडाफोन रेड पोस्टपेड प्लान आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे और सभी यूजर्स को माइग्रेट किया जाएगा वोडाफोन रेड प्लान्स की तरफ। सबसे पहले ये जो माइग्रेशन वाला जो प्रोसीजर स्टार्ट होगा दोस्तों, वो मुंबई से स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद पूरे कंट्री के अंदर सभी आइडिया पोस्टपेड यूजर्स को जो है वोडाफोन रेड प्लान्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग बताना कि क्या आप लोग जो है यहाँ पर आइडिया का कोई पोस्टपेड प्लान यूज कर रहे थे, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। दोस्तों जो अगली न्यूज आती है वो आ रही है यहाँ पर व्हाट्सएप की तरफ से। बताया जा रहा है कि जो आईफोन यूजर्स हैं उन्हें व्हाट्सएप के लेटेस्ट बीटा अपडेट में जो डार्क मोड वाला फीचर है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बहुत ही जल्दी आप स्टेबल अपडेट में भी आप लोगों को व्हाट्सएप में जो है डार्क अपडेट यहाँ पर सभी आईफोन यूजर्स को मिल जाएगा। दोस्तों जो अगली न्यूज आती है वो यहाँ पर आ रही है आरकॉम के जो यहां पर मालिक थे अनिल अंबानी, उनको लेकर। दरअसल जो है चीन के तीन बैंक थे और इन तीनों बैंकों ने बताया था कि जो है आरकॉम ने काफी ज्यादा कर्ज उनसे लिया था, करीबन जो है 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जो कर्ज है वो बताया जा रहा है। तो कोर्ट यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो लंदन के अंदर जो है यहाँ पर केस चल रहा था, तो कल कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया। वैसे यहाँ पर जो अनिल अंबानी, उन्होंने कहा कि वो किसी तरह का जो है कर्ज यहाँ पर नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि फिलहाल उनकी जो नेट वर्थ है दोस्तों वो बिल्कुल जीरो है। वो बिल्कुल दिवालिया यहाँ पर हो चुके हैं और वो इस पोजिशन पर नहीं है कि वो किसी भी कंपनी का, किसी भी बैंक का जो कर्ज है वो यहाँ पर चुका पाए। लेकिन दोस्तों कोर्ट ने उनकी जो दलील थी सारी उन्हें खारिज कर दिया है और कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अनिल अंबानी को 714 करोड़ रुपए केवल जो है यहां पर 6 हफ्तों के दौरान जो है जमा कराने, केवल 6 हफ्तों के दौरान अनिल अंबानी को यहां पर जो है 714 करोड़ रुपए जमा कराने। यानी कि जो अनिल अंबानी, उनकी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होती जा रही है और आरकॉम पहले ही यहां पर बंद हो चुका है, पहले ही काफी ज्यादा कर्जा उन पर है और अब और ज्यादा कर्जा उन्हें देना पड़ेगा। दोस्तों जो अगली न्यूज आती है वो यहां पर काफी अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए आ रही है BSNL 4G सर्विसेज को लेकर। कल यहां पर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेलीकॉम है संजय धोत्रे, उनकी तरफ से जो पार्लियामेंट में ये जो है स्टेटमेंट दिया गया है कि BSNL की 4G सर्विसेज के लिए जो स्पेक्ट्रम है वो 1 अप्रैल को जो है दे दिया जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल को ऑफिशियल यहां पर जो स्पेक्ट्रम है वो BSNL के पास आ जाएगा और उसके बाद 19 महीने के अंदर अंदर, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने टाइम पीरियड भी बताया कि 19 महीने यहां पर BSNL को लगने वाले हैं और अगले 19 महीनों के दौरान BSNL अपनी 4G सर्विसेज पूरे इंडिया के अंदर उपलब्ध करा देगा। साथ में बताया गया है कि BSNL और MTNL बिल्कुल भी बंद यहां पर नहीं होंगे, किसी भी तरह से इन दोनों कंपनियों को बंद नहीं किया जाएगा। तो काफी अच्छी न्यूज आ रही है कि फाइनली यहां पर जो है डेट यहां पर बता दी गई है 1 अप्रैल की, तब आपको जो है यहां पर BSNL को स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसके बाद 19 महीने के अंदर 4G सर्विसेज पूरे इंडिया के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी कुछ काफी अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए। कौन सी न्यूज सबसे बेस्ट लगी, आपका कोई क्वेश्चन हो जो आप संडे Q&A वीडियो में पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना।